अभी तो दो ही दिन हुए हैं, देखना अभी सनी डेज में कितने सुंदर हो जाएंगे। जी नहीं बिल्कुल, मैं सुबह फजर की नमाज, फिर फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज सारी पढ़ रही हूँ। फिर और कौन सा रात को तुमने मुझे भेजा था? नहीं, इशा के बाद की नमाज जो नहीं, ताजुद तो रात को 3 बजे और तरावी, तरावी की मैं 20 रकात, तरावी में एक्चुअली 20 रकात पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके सारे रुके हुए काम हो जाते हैं, ये मैंने सुने। हाँ तो मैं पढ़ रही हूँ कि मेरा एक बार और पढ़ लेना। नहीं मैं, मेरे लिए भी पढ़ना है मुझे कि वो मेरे आदिल ने मेरे पैसे लिए हुए मुझे वापस दे दे। बट 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता 5 टाइम की नमाज के लिए। अरे मैं कहाँ थी वापस इस्लाम में आई, मेरे पास जब समय है मैं आर्टिस्ट होके, तो आप लोगों के पास समय क्यों नहीं हो सकता? बाल बच्चे छोड़ दो, किचन छोड़ दो, खाना बनाना छोड़ दो, शोहर सब कुछ, सब लोग को अलग रखो, सबसे पहले अल्लाह को दुआ करो, दुआ करो पहले दुआ। अल्लाह है तो सारा संसार मिल जाएगा, खुदा है नमाज पढ़ोगे तो किचन भी भर जाएगा, और अल्लाह का पहला प्यार अगर आप नमाज सब पढ़ोगे तो आपके बच्चे भी मतलब सुरक्षित रहेंगे। कोई मुझे जज ना करे मेहरबानी करके, वो मेरी आस्था है और मुझे कोई जज ना करे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप किसी को भी मेरे सामने खड़ा करे और मुझे पूछे नबी याकूब के बारे में, नबी यूसुफ के बारे में, नबी मूसा के बारे में, नबी इब्राहिम के बारे में और नबी नोहा के बारे में, ईव एडम आप जो बोलते हैं, आप मुझे हर सवाल पूछिए, कुरान पाक के सवाल पूछिए, आप मुझे बाइबल के सवाल पूछिए। मैं अपना वक्त फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करती, क्लबों में, शराबों में, इन सब चीज़ों में कभी भी नहीं। मुझे वक्त मिलता है मेरा, मैं सारा वक्त खुदा में बिताना पसंद करती हूँ।